फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन शुक्ला और आप देख रहे हैं ए टू जेड प्रैक्टिकल। सो फ्रेंड्स, आज का जो है प्रैक्टिकल वो बेसिकली एक्टिविटी है। आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं बेसिकली एक्टिविटी नंबर 4 स्टार्ट करने वाला हूं, जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिव्यूशन। सो चलो मैं एक्सपेरिमेंट फटाफट स्टार्ट करता हूं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें 11 12 के सारे केमिस्ट्री वगैरह के भी प्रैक्टिकल्स मैंने अपलोड किया, और जाइए आप चेकआउट कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे प्रैक्टिकल्स मैंने एक्सप्लेन किए, और इस चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। और मैं चलो आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं। यह एक्टिविटी नंबर 4 कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिव्यूशन। यहाँ पे क्या है बेसिकली, इस एक्सपेरिमेंट को हम लोगों ने परफॉर्म किया है। सो चलो मैं फटाफट बताता हूँ आपको। फ्रेंड्स, यहाँ पे मास ऑफ द बॉल आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो सो फ्रेंड्स, ये वेइंग मशीन है और ये मेरे पास 3 बॉल्स हैं जिसका मुझे मास M1, M2 और M3 डिटरमाइन करना है। सो पहले ये रेड वाला बॉल लेता हूँ, ठीक है, और इसका मास देखता हूँ कितना है। तो मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। मास है वो कितना है, 100 ग्राम है। कितना मास है इसका, 100 पहले वाले का। और दूसरे वाले का फ्रेंड्स देखते हैं कितना है। तो दूसरे वाले का है 70.2, और तीसरे वाले का है, ये प्लास्टिक का बॉल मैंने लिया है, इसका जो मास है 9.8, कितना है 9.8। तो तीनों का मास मैंने निकाल लिया है, क्लियर। M1 हमारा बेसिकली कितना है, 100 ग्राम का था, ठीक है। दूसरा हमारा मास ऑफ द बॉल कितना था, 70.2 ग्राम का था, और तीसरा हमारा कितना था, 9.8। ये जो पट्टी है ये मेरा टोटल 100 सेंटीमीटर का मैंने लिया है, और यहाँ पे मेरे पास 3 बॉल है जो अलग अलग मासेस के, जो मैंने आपको बता दिया है। सो आपका वहाँ पे इनिशियल हाइट फ्रॉम द बॉल लिखा है, तो आपको क्या करना है कि बेसिकली ये मैं 100 से स्टार्ट करूँगा ना यहाँ पे, तो 100 से स्टार्ट करूँगा, तो आपको जो इनिशियल हाइट आपको मतलब H1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। तो ये 3 डिफरेंट मासेस के हमारे पास बॉल है, और हमें दो तरीके के एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करने हैं। दो तरीके के एक्सपेरिमेंट मतलब, एक तो जमीन वाला सरफेस रहेगा आप देख रहे हैं, और दूसरा जो रहेगा वुड का सरफेस रहेगा। तो देखेंगे कि बॉल कितना बाउंस होता है। तो जैसे ये पहला टप्पा गिरेगा, मतलब जैसे ही पहला बाउंस गिरेगा और कितने सेंटीमीटर पे जाके पहला बाउंस आता है, वो हमें मेजर आउट करना रहेगा, देखना रहेगा। तो आपको बहुत ध्यान से एक्सपेरिमेंट करना रहेगा। सो चलो मैं एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास 3 बॉल है यहाँ पे। तो पहले मैं जो हैवीली मास का बॉल था उसको आप देख रहे, ये लगभग मैं 100 सेंटीमीटर से उसको ड्रॉप करूँगा नीचे, और जैसे 100 सेंटीमीटर से इसको ड्रॉप करूँगा तो इस ये बाउंस बैक होके जो पहला रीडिंग देगा उसे हमें नोट डाउन करना रहेगा। बाउंस बैक करने के बाद जो भी पहला रीडिंग देगा वो हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं इसको 100 मीटर से भी ड्रॉप करूंगा और देखूंगा कि इसका पहला जो फर्स्ट बाउंस बैक होगा वो कहाँ पे होगा, ठीक है। सो मैं इसको ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे। सेंटीमीटर से इसको छोड़ना है, तो ये कहाँ पे आ रहा है, 70। इसका बेसिकली 74 है बॉल है, क्लियर। इसका मास थोड़ा सा कम है, तो इसको हम यहाँ से थ्रो आउट करके देखते कितने पे आ रहे हैं। ये फ्रेंड्स इसका जो आ रहा है वो 56 आ रहा है। और थर्ड हमारे पास एक प्लास्टिक का बॉल है, इसको हम लोग थ्रो करके देखते हैं इसका मास, इसका पहला बाउंस कितने पे आ रहा है। इसका जो है वो 51 तक आ रहा है। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे दूसरा है, आपको वुडन ब्लॉक लेना है, उस वुडन ब्लॉक पे इस बॉल को ना टप्पा कराना, मतलब बाउंस बैक कराना है, और जैसे वुड पे से बाउंस बैक होगा आपको वही रीडिंग क्या करनी है, नोट डाउन करनी है। तो ये वुडन ब्लॉक लेना है और आपको बॉल को अब इसके ऊपर बाउंस कराना है 100 सेंटीमीटर हाइट से, और जैसे ये जहाँ पे भी बाउंस बैक होगा जहाँ पे आएगा आपको वो रीडिंग नोट डाउन करनी है। सो पहले मेरे पास हाई वेट का है तो रेड वाला बॉल, तो इसको मैं बाउंस बैक कराता हूँ, देखता हूँ ये कितना रीडिंग आता है। तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर से मैं इसको बाउंस बैक कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है। सो अब देखते हैं कि वुडन पे कितना देता है। क्लियर है, 66 तक जा रहा है। इसका कर लेते कितना आता है, कर लेते कितना आएगा, इसको 100 से ड्रॉप करते हैं, इसका आ रहा है 50, ठीक है। और इसका देखते कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 54, मतलब ये 54 तक, सॉरी इसका आ रहा है 44, इसका 44 आ रहा है, इसका 54 आया था, और इसका कितना आया था, 66 तक आया था, ठीक है। तो वुडन पे क्या हो रहा है कि थोड़ा सा कम आ रहा है। हाइट ऑफ द बॉल इनिशियली, तो हम कितने हाइट से बॉल को थ्रो कर रहे थे, तो हम बेसिकली 100 सेंटीमीटर से, ठीक है। हाइट ऑफ द बाउंस ऑफ द बॉल फ्रॉम द रिजिड फ्लोर ऑफ द सर्फेसिस, मतलब जब आप सरफेस के ऊपर से बॉल को बाउंस बैक करा रहे थे, तो बाउंस बैक होने के बाद वो पहले हाइट पे कहाँ पे जा रहा था, 74 पे जा रहा था। कहाँ पे जा रहा था, 74 सेंटीमीटर पे। उसके बाद जब हमने दूसरे बॉल से किया था जिसका 70 ग्राम वेट है, तो वहाँ पे हमें मिल रहा था 56 सेंटीमीटर, और जब हम तीसरे वाले प्लास्टिक वाले बॉल से किए थे तो वहाँ पे मिला था हमारा 51 सेंटीमीटर। दूसरी जगह मैंने फिर वुड सर्फेस रखा था, क्लियर। तो वुड सर्फेस के लिए जो पहला बॉल का बाउंस बैक हुआ था वो 66 पे हुआ था, दूसरा 54 पे हुआ था, और तीसरे वाले बॉल का कहाँ पे हुआ था, 44 पे, ठीक है। अब आगे देखते हैं,
अब आगे देखते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिव्शन। पहला बॉल वन का कितना था तो आपको क्या करना है, ई इज इक्वल टू एच टू बाई एच वन। तो ई आपका आपको कैसे कैलकुलेट करना है, एच टू आपका कितना था आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका एच टू यहाँ पे कितना है 74 सेंटीमीटर। ठीक है, 74 को आपको एच वन से डिवाइड करना है, एच वन आपका कितना है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 74 डिवाइडेड बाय आपको 100 करना है, तो आप क्या करोगे 74 डिवाइडेड बाय 100, तो आपको इसको डिवाइड करना है और जो भी आंसर मिलेगा आपको उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.86। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.86। सेम आप दूसरे के लिए भी वही करोगे, दूसरे के लिए मतलब आपके यहाँ पे देख रहे हैं आपकी ये दूसरी रीडिंग आई है 56, आप यहाँ पे देख रहे होंगे आपकी रीडिंग कितनी आई 56। आप 56 को क्या करोगे 100 से डिवाइड करोगे, 51 को भी 100 से डिवाइड करोगे, सेम आपको वुडन के लिए भी वही करना है। तो मैंने क्या किया है, वापस से इसको डिवाइड किया तो मुझे मिल जाएगा 0.74, इसको करोगे तो 0.71 मिल जाएगा। इसके बाद आपको वुडन सरफेस का भी वैसे ही करना है, आपको क्या करना है रूट एच टू बाई एच वन करना है। एच टू आपका कितना मिला है आप देख रहे हैं यहाँ पे 66, कितना है आपका एच टू यहाँ पे, एच टू आपका कितना है 66। तो 66 को आपको 100 से डिवाइड करना है अगेन, तो 66 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.81। सेम दूसरे वाले रीडिंग को भी डिवाइड करना है 100 से और तीसरे वाले रीडिंग को भी डिवाइड करना है 100 से, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके आपके लिए बहुत सारे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।